गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अक्टूबर 3, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज खूब सारे टॉपिक हम लोग करने वाले हैं क्योंकि आज नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा हैं, जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हो। तो एक छोटा सा टॉपिक है गाजी अटैक के बारे में, वो थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण ग्रामीण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों है हमारे पास, ग्रामीण भी होता है और शहरी भी होता है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ ग्रामीण के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। YIR is rising, मतलब इंटरेस्ट रेट राइज क्यों हो रहे हैं इंटरनेशनली, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि आपको पहले अच्छे से पता है तो रिपीटेड सा टॉपिक है, ज्यादा फोकस इस पे हम लोग नहीं करने वाले हैं। राइज ऑफ द फार राइट इन इटली, थोड़ा सा यूरोप के अंदर पॉलिटिकल हवा थोड़ी सी बदल रही है, तो वहां पे जो राइट ग्रुप्स हैं बेसिकली वो पावर में आ रहे हैं। तो राइट ग्रुप क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। हालांकि इंडिया के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली क्या हो रहा है हल्का फुल्का पता होना चाहिए। नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, पहले खूब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सा न्यूज में है इसलिए बात कर सकते हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन का क्राइसिस जब से चला है नॉर्ड टू उसके काफी ज्यादा एक सेंटर पॉइंट रहा है डिस्कशन का। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के बारे में बात करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे एक भी है, दो भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है, अमेंडमेंट और ये भी आज एक्सप्लेनर सेक्शन है, तो तीन एक्सप्लेनर सेक्शन आज हम लोग करने वाले हैं। काफी कम ऐसा होता है कि भैया तीन तीन आर्टिकल हम लोग करते हैं और दो एडिटोरियल भी करने वाले हैं बेसिकली, और ऐसा भी बहुत कम होता है। तो आज थोड़ा खास दिन है जिसमें आज हम लोग तीन एक्सप्लेनर करेंगे और दो एडिटोरियल करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक्स आज खास नहीं लगे मुझे। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी है, वो भी थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। फ्रंट पेज पे आज कुछ खास है नहीं है तो सीधा पेज के ऊपर बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है विशाखापट्टनम के बारे में। जैसा कि आपको पता है विशाखापट्टनम हमारा जो ईस्टर्न कमांड है, इंडिया की ईस्टर्न नेवल कमांड है, वो विशाखापट्टनम ही सिचुएटेड है। उसके अलावा विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा टेंपल भी है, सिंहाचलम टेंपल, 1000 ईयर से पुराना है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जिस चीज के लिए विशाखापट्टनम एक फेमस हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो है भाई वहां पे ग्रेवयार्ड। कहा जाता है कि विशाखापट्टनम में कम से कम 8 से 10 सबमरीन जो है वो उसके कोस्ट के आसपास वो आज भी पाई जाती हैं, जो काफी समय पहले डूब गई थी। कुछ तो ऐसी थी जो वर्ल्ड वॉर टू के समय में ही डूब गई थी, जापान की कई सारी ऐसी सबमरीन थी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, जैसे RO-110 और भी कई सारी थी जो आई थी इंडिया में उस समय अटैक करने के लिए, लेकिन ब्रिटिश नेवी ने उनको डुबो दिया था, ऐसा कहा जाता है। और ये जो सबसे फेमस इंसिडेंट है वो है 1971 में, December 4, 1971, उस समय इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। तो हमारे पास उस समय था ना एक एयरक्राफ्ट कैरियर, क्या नाम था उसका, विक्रांत, एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, INS विक्रांत हमारे पास था, और ये हमारी नेवी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी INS विक्रांत। तो पाकिस्तान वालों ने सोचा कि भाई चलो INS विक्रांत को जो है डुबो देते हैं, और INS विक्रांत अगर डूब जाएगा तो इंडिया की नेवी की कमर टूट जाएगी, क्योंकि देखें इधर से बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश, और यहाँ पे INS विक्रांत था। तो भाई जब तक INS विक्रांत अगर बे ऑफ बंगाल के अंदर रहेगा, समझ लो तब तक जो है पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के अंदर कुछ कर नहीं सकता था, है ना, क्योंकि ब्लॉकेड का काम कर रहा था ये, पाकिस्तान से कोई भी हेल्प बांग्लादेश को नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग क्या करें, अपना सबसे खुफिया हथियार INS मतलब PNS गाजी, उन्होंने कहा गाजी को भेजते हैं। गाजी एक सबमरीन है, उस समय सबसे पावरफुल सबमरीन थी पाकिस्तान के पास, हालांकि अभी काफी बूढ़ी हो चुकी थी, पुरानी थी, इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती रहती थी, बट स्टिल पाकिस्तान ने सोचा चलिए रिस्क लेते हैं, और विक्रांत को डुबोने का काम किया गया। तो दो चीजें इसको दी गई थी, दो टास्क, एक तो कहा भैया विक्रांत को डुबो दीजिए, अगर बाई चांस विक्रांत नहीं डूबता है या इस ऑपरेशन में फेल होते हैं तो यहाँ पे जो है कुछ माइंस बिछा दीजिए, ठीक है, ताकि इंडिया वाले इधर उधर आए तो माइंस के ऊपर जो है वो फट जाए बेसिकली, उन्होंने एक डिफेंस के तौर पर उन्होंने यह क्रिएट करना था। तो दो काम दिए गए थे। अब भाई हमारे रो को थोड़ी इसकी भनक लग गई कि ऐसा कुछ होने वाला है। एक्चुअली एक गाजी अटैक के नाम की मूवी भी बनी है, अगर आपने मूवी देखा होगा, ठीक है, हालांकि इसे कई सारे वर्जन है, पाकिस्तान वाले का अपना वर्जन है, इंडिया वालों का अपना वर्जन है, अलग अलग लोगों का अपना वर्जन है, बट खैर हम तो इंडिया वाले वर्जन की ही बात करेंगे। तो गाजी को इधर से भेजा गया, रो को पहले ही खबर लग गई कि गाजी आने वाला है। तो हमारे पास ना पहले से ही एक और हमारे पास छोटे वाला डिस्ट्रॉयर था, ठीक है, और जिसका नाम था INS राजपूत, ठीक है, INS राजपूत था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने क्या किया, अपनी विक्रांत को हम लोगों ने भेज दिया अंडमान निकोबार में भेज दिया ऑलरेडी, लेकिन INS राजपूत को हम लोग यहाँ पे टहलाने लगे, ठीक है, उसकी मैनूवरिंग हम लोगों ने ज्यादा कर दी, वहां से बहुत सारे वायरलेस सिग्नल भेजने लगे। अब पाकिस्तान वाले बेवकूफों ने सोचा कि यही INS विक्रांत है, उनको लगा कि यही INS विक्रांत है,
इसको टारगेट बनाने लगे, जबकि आईएनएस विक्रांत ये था नहीं, ये तो जो है आपका आईएनएस राजपूत था। तो उन्होंने बेसिकली ये होता है ना कांटा फेंकना, मच्छी को कांटा फेंकना, तो उन्होंने कांटा इसको फेंक दिया। तो जैसे ही ये तो कुछ इस तरह की हरकतें करने लगे तो ऑलरेडी हमारे राजपूत ने क्या किया, वहां पे डीप चार्जेस ले लिए, उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आज भी ऐसा माना जाता है कि 90 प्लस क्रू मेंबर्स के साथ आज भी गाजी जो है वो यहीं पे शामिल है। उसके अलावा जापान के कुछ सबमरीन्स वगैरह हैं वो भी हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूँ, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट है, इतना कोई ज्यादा आइडिया नहीं है, मतलब है नहीं, ऑफकोर्स ऐसी चीजें पूछता नहीं है यूपीएससी, बट थोड़ा बहुत बींग अ वेरी क्यूरियस एस्पिरेंट और यूपीएससी एस्पिरेंट थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिल्म अगर आपने देखी है तो शायद आपको ज्यादा डिटेल में चीजें पता चल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना स्कूप्स स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड। तो देखिए स्वच्छ भारत के अंदर जो है स्वच्छ भारत ग्रामीण और स्वच्छ भारत शहरी जो है वो टाइम टू टाइम अवार्ड दिए जाते हैं, हर साल जो है सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वेक्षण मतलब सर्वे। तो इस बार जो है तेलंगाना भैया टॉप पे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो पहला प्राइज तो उसको ही मिला है, दूसरा प्राइज जो है हरियाणा को मिला है, तीसरा प्राइज जो है वो तमिलनाडु को मिला है। स्वच्छ भारत ग्रामीण जो अवार्ड दिया गया है वो दिया जाता है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि स्वच्छ भारत ग्रामीण यानी कि रूरल वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ही उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो कई सारे पैरामीटर होते हैं यहाँ पे जिसके बेसिस पे इसको दिया जाता है, जैसे वहां पे भैया सबसे इंपॉर्टेंट होता है ODF, ओपन डेफिकेशन, मतलब लोग बाहर में खुले में जाके तो शौच नहीं करते हैं, तो वो सबसे बड़ा बेसिस होता है। उसके अलावा अब हम लोगों ने इसके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी जोड़ दिया है, अब लोगों हम लोगों ने इसके टैप वाटर की अवेलेबिलिटी को भी जोड़ दिया है, वाटर पोल्यूशन को भी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। तो कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है और उसके बेसिस पे फिर यू नो ये अवार्ड दिया जाता है। अगर हम लोग छोटे स्टेट्स की बात करें, स्मॉल स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो अंडमान निकोबार का पहला यहाँ पे अवार्ड मिला है, उसके अलावा सेकंड दमन दीव को, दादरा नगर हवेली को मिला है और सिक्किम को यहाँ पे थर्ड प्लेस मिला है। अगर डिस्ट्रिक्ट की वाइज बात करें तो हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट है भिवानी, इसको सबसे पहला मिला है, दूसरा जो है जगतियाल तेलंगाना में और निजामाबाद तेलंगाना में, इनको सबसे बढ़िया यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, ठीक है जी। ये बड़ी बात है, अभी पहले हमारे पास फर्स्ट फेज था लेकिन अभी हम लोगों ने सेकंड फेज भी शुरू कर दिया है, तो 2025 तक हमारा सेकंड फेज चलेगा, मतलब ऐसे तो 2026 तक है 5 साल के लिए। और सेकंड फेज में ये कहा गया है कि भाई इंडिया को कंप्लीटली ODF मुक्त कर दें। देखिए हमारे इंडिया में जो है ना 6 लाख गाँव हैं, भारत में 6 लाख गाँव पाए गए हैं, जिनमें से 1.5 लाख के लगभग गाँवों के अंदर ऑलरेडी ओपन डेफिकेशन मुक्त उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी भी काम करना बाकी है, तो ऐसा मानना है सरकार का भाई हमें जल्दी ही उसको भी पूरा अचीव कर लेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में थोड़ा सा कंटेंट मैंने आपको दिया हुआ है। 2014 में गांधी जी की जन्मदिन पे यानी गांधी जयंती पे इसको लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन को, जिसका टारगेट था कि 2019 तक हम लोग इंडिया को ओपन डेफिकेशन बना देंगे। हालांकि उसको हम लोग बना नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली, तो अभी हम लोगों ने इसका फेज टू शुरू किया हुआ है 2021 से लेकर 2026 तक, जिसमें हम लोगों ने टारगेट रखा है कि हम लोग इंडिया को ओपन डेफिकेशन मुक्त उसको कर देंगे। तो दो है हमारे यहाँ पे, अर्बन एरिया में अलग है, रूरल एरिया में अलग है। जो अर्बन एरिया में स्वच्छ भारत मिशन इंप्लीमेंट किया जाता है वो किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स। जो रूरल एरिया में किया जाता है ग्रामीण यानी कि, वो किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इस तरह की चीजें, कई बार होता है ना हम लोग ज्यादा डिटेल पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन जो छोटी डिटेल्स होती हैं, ठीक है, वो हम लोग छोड़ देते हैं जो बिल्कुल ऑब्वियस होती हैं। बहुत बार एक स्कीम के बारे में हम सब कुछ रट्टा मार के चले जाते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता होता भैया उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। बहुत बार हमें यही नहीं पता होता कि उस मिनिस्टर उसको इंप्लीमेंट कौन करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, थोड़ा देख लिया करो इसको, ठीक है। वो सारी चीजें हैं। तो स्वच्छ भारत की जो स्कीम है इसके अंदर वो छोटी छोटी और भी स्कीम सरकार ने लॉन्च कर रखी है, जैसे गोबर धन स्कीम है 2018 में जल शक्ति ने लॉन्च किया था, ठीक है, जिसके अंदर जो जो किसान होते हैं उनकी इनकम को इंप्लीमेंट बढ़ाना इंक्रीज करना था बेसिकली, जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होता है फार्मर्स का, उससे जो है हम लोग बायोगैस वगैरह बना सकते हैं। तो पहला ये किया गया था, ये भी स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में है, आपने ध्यान रखना है। एक हम लोगों ने स्वच्छ विद्यालय अभियान भी चलाया था जिसमें लड़कियों के लिए और बॉयज के लिए सेपरेट टॉयलेट की बात की गई थी, ये भी इसी के अंदर में किया गया है। और इंडिविजुअल हाउसहोल्ड लैटरिंस जिसमें 15,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि घरों के अंदर ड्राई लैटरिंस बनाई जा सकें। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए अबाउट स्वच्छ भारत मिशन, इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा, और यहाँ पे प्रीलिम्स में मेंस में लगातार सवाल पूछे भी जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो कहता है भैया रैशनल बिहाइंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट। रैशनल का मतलब यह कि भैया इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इंटरनेशनली जैसे फेडरल रिजर्व की हम लोग बात करते हैं तो फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को लगातार बढ़ा रहा है। देखिए सबसे पीछे इसका रीजन है इन्फ्लेशन। यही सेम चीज इंडिया में भी होती है, यही सेम चीज यूएसए में भी होती है। इंडिया में कौन करता है ये काम? आरबीआई करता है। आरबीआई क्या करता है, जब उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, रेपो रेट को इंक्रीज कर देते हैं, है ना। क्योंकि तो रेपो रेट इंक्रीज करने से क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है, और जब मनी सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। सीधी सी बात है भाई, और डिमांड कम होती है तो प्राइस कम हो जाता है। प्राइस कम होना मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाती है। ये चीज की जाती है आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। यही सेम चीज अमेरिका में भी की जाती है बाय वहां के जो सेंट्रल बैंक है, जिसे हम लोग फेड कहते हैं। फेड के द्वारा जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दी जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जो यूएसए की ट्रेजरी बिल्स हैं, यूएसए के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं या यूएसए की गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी को परचेज करते हैं तो उनको बेटर रिटर्न मिलता है। अब देखिए इंडिया ने हम जो रेपो रेट वगैरह सब करते हैं, इसका इंटरनेशनली मार्केट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऑफकोर्स पड़ता नहीं है क्योंकि ये डोमेस्टिक चीज है। लेकिन अगर यही सेम चीज अमेरिका के द्वारा की जाती है, वहां के बैंक के द्वारा की जाती है, तो भाई इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस होते हैं, समझ रहे हो। अगर अमेरिका के बैंक ने अपने वहां पे इंटरेस्ट रेट थोड़े से भी हाई कर देते हैं ना, तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। तो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, यहाँ के जो इन्वेस्टर्स होते हैं भैया, वो अपना पैसा निकाल के पूरा अमेरिका में भेजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अमेरिका में बेटर रिटर्न्स मिलता है। अमेरिका की मार्केट आज भी सबसे सेफेस्ट मार्केट, यानी कि डॉलर सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, तो इसलिए भाई वहां पे भाग जाते हैं। तो यही बेसिकली इन्होंने यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया जाता है टू कर्व इन्फ्लेशन, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ है दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अमेरिका में पिछले 40-50 साल का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो उसको कर्व करने के लिए अमेरिका यह सब कर रहा है। सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप भी कर रहा है, ठीक है, सब चीज ऐसा कर, इंडिया भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। तो भैया रशिया यूक्रेन की वजह से सब चीजें यहाँ पे डेफिनेटली हो रही हैं। तो होता क्या है, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो लोग कंज्यूम करना कम कर देते हैं, चीजें कंज्यूम करना कम कर देते हैं, क्योंकि चीजें महंगी होती है ना, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है, इंटरेस्ट रेट जब हाई होता है तो बैंकों से लोन लेना महंगा होता है। तो लोग बैंकों से लोन लेके कंज्यूम करने की बजाय पैसे को सेव करने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग करते हैं, रादर देन कंज्यूमिंग। क्योंकि अब मान के चलिए आपने कार लोन लेना है, ठीक है, पिछले साल आपको कार लोन लेना था और आपको वो सिर्फ 10% का इंटरेस्ट रेट चुकाना था। इस साल क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, तो इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 15% हो गया। तो भाई आप कार लोन थोड़ी लोगे, कार लोन नहीं लोगे तो कंजम्पशन कम होगी, सीधी सी बात है। तो इनका यह कहना है कि भैया कंजम्पशन जो है कम हो जाती है, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, क्योंकि एक्सपेंसिव हो जाता है पैसा बोरो करना बैंकों से, और उससे डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होती है तो प्राइस अपने आप रिड्यूस हो जाता है, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया। और इसकी वजह से जो सैलरी वगैरह है लोगों की, वो भी कम हो जाती है। सैलरी कम होती है तो इन्फ्लेशन कम हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर कम हो जाती है। और इस सारी चीजों की वजह से जो लिक्विडिटी है मार्केट में, मनी सप्लाई, वो भी कम हो जाती है। ऐसी कोई भी नया इसके अंदर पॉइंट नहीं बता रखा है जो आपने को पहले से अच्छे से नहीं पता हो, आपके सब चीजें पहले से पता है, जस्ट अ रिपीटेड थिंग। क्योंकि मंडे को क्या होता है ना, द हिंदू न्यूज़पेपर में इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो इसी के बारे में था ये। इसको ज्यादा मत पढ़ना क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें दे रखी हैं जो कि हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एज लॉन्ग एज आपके खाते में 2-4 लाख रुपए पड़े हों, 10 लाख, और आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के एक्सप्लेनर सेक्शन पे चलते हैं। आज का एक्सप्लेनर सेक्शन जो है वो यूरोप की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी बात कर रहा है। देखिए फार राइट, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, और एक होता है फार राइट, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है बेसिकली, है ना। जैसे लेफ्ट है, जैसे इंडिया की हम लोग बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो इसमें आप जो है जो ममता बनर्जी की जो है टीएमसी, उस पॉलिटिकल पार्टी की बात कर सकते हैं, ये लेफ्ट पार्टीज हैं। फिर हम लोग राइट पार्टी की बात करते हैं, जैसे बीजेपी की अगर आप बात करते हो तो लेफ्ट, तो राइट आइडियोलॉजी होती है। फिर एक होती है एक्सट्रीम लेफ्ट, जिसमें जो है कम्युनिस्ट एकदम जैसे एक्सट्रीम, जैसे नॉर्थ कोरिया बोल सकते हो आप, ठीक है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेफ्ट, क्यूबा बोल सकते हो एक तरह से। फिर एक आती है एक्सट्रीम एक्सट्रीम राइट, ठीक है, बहुत ज्यादा राइट विंग आइडियोलॉजी होती है। जैसे जब हम लोग इटली की बात करते हैं तो मुसोलिनी की बात यहाँ पे की जाती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुसोलिनी, हिटलर,
दोस्त हुआ करते थे एंड ऑल दैट। तो एक्सट्रीम राइट क्या करते हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, बाकी दुनिया बाहर में जाए, अपना देश ही सबसे बेस्ट है, ठीक है, हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये मतलब होता है एक्सट्रीम राइट का। तो ये इस आइडियोलॉजी में बेसिकली बिलीव करते हैं। तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बहुत ज्यादा प्रमोशन यहाँ पे ये लोग नहीं करते हैं, फॉरेन इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा वेलकम नहीं करते हैं। तो फार राइट आइडियोलॉजी कुछ कुछ ऐसी होती है, तीन चार दिन पहले मैंने आपको लेफ्ट सेंटर वो सब आपको बताया भी था, एक आर्टिकल आया था जो पेपर में। अब वैसे तो यूरोप को काफी लिबरल माना जाता है कि नहीं, यूरोप को काफी लिबरल माना जाता है, चाहे वो इमिग्रेशन पॉलिसी हो, चाहे वो ट्रेड पॉलिसी हो, है राइट, और चाहे वो पॉलिटिक्स भी क्यों ना हो, काफी लिबरल पॉलिटिक्स मानी जाती है यूरोप की। लेकिन पिछले कुछ समय से यूरोप के अंदर भी राइट विंग जो है उनकी प्रेजेंस बढ़ रही है। इलेक्शंस वगैरह में जो फार राइट पार्टीज हुआ करती थी, जो पहले इलेक्शन में बिल्कुल भी बैड परफॉर्म करती थी, यानी अभी वो पोलिट पावर में आ रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है इटली के अंदर। तो इटली के अंदर जो ये आप देख सकते हैं, ये मैडम है, इनका नाम है जॉर्जिया मिलोनी, ये इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, कुछ साल पहले ही बनाई थी, 2012-13 में ही बनाई थी, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी फार राइट पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, जो कि इमिग्रेशन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती हैं और इस तरह की पॉलिसी रहती है इनकी। ये मजेदार बात यह है कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी के जो साथी हैं, इनके जो दोस्त हैं, वो भाई मुसोलिनी की पार्टी के सीधे सीधे सपोर्टर्स हैं, समझ रहे हो आप, सोशल मूवमेंट नाम की पार्टी है वहां पे, जो बेनिटो मुसोलिनी जो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसके भी सपोर्टर इनकी पॉलिटिकल पार्टी में है। तो सोच सकते, इसे जो है आप फासिज्म कह सकते हो, फासिज्म। तो इटली के अंदर फासिज्म जो है वो बढ़ रहा है, हालांकि इटली की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रही है पिछले बहुत सालों में, उन्होंने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे उन्होंने चेंज कर दिए हैं, बट स्टिल ऐसा पहली बार हुआ है कि यूरोप के अंदर कोई फासिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर में आ रही है। ये कुछ चीजें जो है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि अगर हम लोग बात करें, फिलहाल मैडम की जो पॉलिसी है वो ऐसी है कि वो अमेरिका के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ खड़ी हैं जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात आती है, लेकिन पता नहीं होता भाई, इनका कभी थोड़े से अनएक्सपेक्टेड होते हैं और कब अपना पालसा पलट देते हैं, यू नेवर नो। तो इकोनॉमी जो है इस समय, इकोनॉमी की इनका मेन टारगेट यही है कि इकोनॉमी को बेटर किया जाए, जो एनर्जी क्राइसिस इटली में चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट उसको किया जाए, ये सब चीजें इन्होंने कर रही हैं, ठीक है। और बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है कि भाई यार ऐसी ही चीजें आपके आपको ना बेल्जियम के अंदर भी मिलेंगी, ऐसी ही चीजें आपको हंगरी के अंदर भी मिल रही हैं आजकल, इवन नॉर्वे के अंदर भी जो है राइट विंग पार्टीज जो है वो पावर में धीरे धीरे आ रही हैं। तो पूरे यूरोप के अंदर ही माहौल थोड़ा चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो लिबरल यूरोप आपको नजर आ रहा था आने वाले 20-25 साल में, इतना लिबरल वो नहीं रहने वाला है, ये वहां की जो हवा चल रही है उससे पता चलता है। ये कहना कि भैया ये पावर में आई क्यों, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, कहा जाता है कि इनके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वीक ऑपोजिशन। भैया जब ऑपोजिशन ही कमजोर होगी तो सीधी सी बात है पॉलिटिकल पार्टी तो अपने आप ही पावर में आएगी। 2014 में आप क्लियरली ये सिग्नल इंडिया में भी देख सकते थे, बीजेपी की पार्टी पावर में आने का बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि अपोजिशन जो है वो वीक था। 2019 में भी यही रीजन रहा, और हो सकता है 2024 में भी रहे। तो हम लोग पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन एक डेमोक्रेसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, यही चीजें आप इटली में भी कर सकते हो, क्योंकि इटली में पोजीशन थोड़ा वीक रहा है, उसकी वजह से ये चीजें यहाँ पे हुई हैं। हाँ, कि एलिजिबिलिटी राइट्स को लेके, माइग्रेशन को लेके अभी इन्होंने अपना पूरे पत्ते खोले नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि काफी सख्त अबॉर्शन, एलिजिबिलिटी राइट्स, इनको लेके काफी स्ट्रॉन्ग जो इनका स्टैंड रहता है, मतलब ये अलाउ नहीं करते हैं, एलिजिबिलिटी कम्युनिटी को काफी पसंद नहीं करते हैं फार राइट, अबॉर्शन भी अलाउ नहीं करते हैं, माइग्रेशन को भी अलाउ नहीं करते हैं अपनी कंट्री में, इस तरह की कुछ कुछ चीजें जो है फार राइट के द्वारा की जाती है। अभी देखना रहेगा भाई फ्यूचर में क्या होता है इटली के बारे में। अब इतना ज्यादा भी इसके अंदर घुसेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि तो इटली का मामला है तो हम थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही करते हैं ज्यादातर, ठीक है। हालांकि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो राइट विंग जो है वो दोबारा से जो है पावर गेन कर रहे हैं, लिबरल पॉलिसी जो है थोड़ी सी अभी जो है डाउन जा रही है। लेट्स होप कुछ ना कुछ अच्छा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। What happened to the Nord Stream pipeline? तो Nord Stream pipeline की location पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे इधर आता है रशिया, इधर आता है आपका यूरोप। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये Nord Stream 1 है, जो कि 2011 के बाद से काम कर रही है, और ये Nord Stream 2 है, ठीक है। नीचे वाली जो डॉटेड लाइन आपको दिखा रही है ये बन के तैयार हो गई थी लास्ट टू लास्ट ईयर, लेकिन अभी तक इसको अप्रूवल नहीं मिला है, और भाई फिर रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया तो इसको तो वैसे भी अप्रूवल मिलने वाला नहीं है। तो रशिया से यूरोप तक थ्रू जर्मनी
ये जो नोड टू नोड वन स्ट्रीम लाइन है, यहां से सबसे ज्यादा नेचुरल गैस वो रशिया से यूरोप के में एक्सपोर्ट होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो क्या आप ये कह सकते हो एक तरह से भाई यूरोप के लिए ना ये लाइफ लाइन का काम करती है, क्योंकि यूरोप के अंदर विंटर्स बहुत भयंकर होती हैं, तो उनको अपने घरों को हीटअप वगैरह करने के लिए गर्मी के लिए उनको नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट होती है। यूरोप पूरी तरह से नेचुरल गैस के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो इधर वाली कंट्री है ना, ये वस वाली कंट्री, तो 100% डिपेंड करती है रशिया के ऊपर। तो हुआ ये मामला, अभी देखिए इसके बारे में सच्चाई क्या है किसी को पता नहीं है। रशिया का ये कहना है कि जो नोड वन जो गैस पाइपलाइन है भैया, इसके अंदर लीकेज हो गया है, क्योंकि इसके अंदर लीकेज हो गया तो हम इसको बंद कर रहे हैं। तो एक्चुअली पिछले काफी समय से ये पाइपलाइन जो है वो बंद पड़ी हुई है, मतलब यूरोप को नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। और अमेरिका का ये कहना है, कहीं ब्रिटेन का ये कहना है कि ये जो लीकेज की गई है ये जानबूझकर की गई है, रशिया ने जानबूझकर वहां पे ब्लास्ट किए हैं ताकि इसके अंदर लीकेज हो जाए और वो यूरोप को ब्लैकमेल कर सके। हालांकि रशिया ने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो लीकेज हुई है वो कहाँ पे हुई है, वो डेनमार्क वाटर्स में हुई है, स्वीडिश वाटर में हुई है, जहां पे पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है या यूरोप का कंट्रोल, अमेरिका कंट्रोल करना ठीक नहीं रहेगा। तो इनका कहना है कि भाई मेरे वाटर में होता तो शायद आप ये सब बोल सकते थे, लेकिन तो मेरे वाटर के अंदर हुआ ही नहीं। लेकिन अभी कुछ इन्वेस्टमेंट वहां पे की गई है, तो इसे साफ पता लगता है कि वहां पे एक्चुअली ब्लास्ट हुए हैं। अब सीधी सी बात है, देखो भाई हो सकता है रशिया ने करवाए हो सकता है यूरोप ने खुद ही करवाए हो, यू नेवर नो दिस, अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अमेरिका भी सीधा सीधा ब्लेम नहीं कर रहा है रशिया को इस तरह से, मतलब नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये कहा है कि भाई किसी ना किसी ने हरकत किया है। अब वो किसने हरकत किया, कोई टेररिस्ट एक्ट है, यूक्रेन तो कह रहा है कि टेररिस्ट एक्ट है और रशिया ने इसको किया है। अब पता नहीं क्या है क्या मामला, वी डो नॉट नो अबाउट इट, बट स्टिल अभी जो कब तक ठीक होगी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते भैया। इसको ठीक होने में 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि काफी सेंसिटिव मामला होता है। और मिलियंस ऑफ क्यूबिक जो मीट्रिक टन जो गैस है वो ऑलरेडी इस पाइप से अंदर से लीक हो रही है। ऐसा माना जाता है कि 500 मिलियन मीट्रिक टन गैस जो है हर रोज हर दिन वो एनवायरमेंट के अंदर लीकेज हो रही है। अभी एनवायरमेंट को, वहां की मरीन लाइफ को कितना डैमेज हो रहा है इसकी वजह से, इसके ऊपर भी कोई खास क्लैरिटी है नहीं, बट स्टिल ऐसी चीजें हो रही हैं। और अभी विंटर आने वाला है, तो भाई विंटर इज कमिंग एंड यूरोप की हालत खराब, काफी खराब होने वाली है। देखिए जर्मनी पोलैंड वगैरह ये कंट्री ना काफी सयानी कंट्री है, ये थोड़ी समझदार कंट्री है, ऑलरेडी इन्होंने यूएई वगैरह से खूब सारा नेचुरल गैस वगैरह ऑलरेडी परचेज कर लिया महंगे भाव पे और उसको स्टोर करके रखा हुआ है, तो इनको दिक्कत आने वाली नहीं है। जो छोटी कंट्री है यूरोप की, वो बेचारी अभी पता नहीं कैसे मैनेज करेंगी, सर्दियों में वहां पे इतना ज्यादा स्नोफॉल होता है, वो दिक्कत होती है। और ऑलरेडी नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं भाई, चाहे यूके हो चाहे यूरोप हो, 12% से ज्यादा बढ़ गए हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि उसके पास जो भी हथियार हैं ब्लैकमेल करने के, वो सब यूज किए जाएं। अब वो कितने सक्सेस होता है नहीं होता है, दैट्स अ सेपरेट केस ऑल टुगेदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इन इंडिया के बारे में बात चल रही है। देखिए अभी जो हम लोग ब्रॉडबैंड सर्विस मिलती है वो सैटेलाइट के थ्रू नहीं होती है। अभी क्या होता है कि जैसे आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, आपके मोबाइल फोन से जो सिग्नल भेजा जाता है वो डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ नहीं है, मतलब सैटेलाइट से आपके तक नहीं आता है। तो बीच में हमारे पास जो ग्राउंड स्टेशन होते हैं, ठीक है, वो ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट के थ्रू जाती है, तो आपके लोकल एरिया में जो लोकल टावर होता है सिग्नल वहां तक जाता है, उस टावर से सैटेलाइट तक जाता है, सैटेलाइट से रिसीवर के पास जाता है, फिर घूम के लोकल टावर के थ्रू आपके मोबाइल में सिग्नल आता है। तो फिलहाल हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में आपके मोबाइल से सीधा सैटेलाइट और सैटेलाइट से सीधा आपके मोबाइल में सीधा सिग्नल आते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं, है ना, गांव वाँव में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, वहां पे आप लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वहां तक टावर लगाना, वायरिंग करना, फाइबर केबल वगैरह सेटअप करना बहुत महंगा पड़ता है और हो भी नहीं पाता है, ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत होती है। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा इलोन मस्क नाम का एक आदमी है, बड़े ही जबरदस्त टाइप का आदमी है, उसने अभी जो है कुछ लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर कुछ सैटेलाइट को सेटअप किया है जिसके थ्रू आप जो है सैटेलाइट को एक्सेस कर सकते हो। अभी ये सर्विस इंडिया में नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए, एक आधे साल के अंदर। अभी अमेरिका में, कनाडा में, ईरान के अंदर ये कुछ सर्विस दी गई है, यूक्रेन के अंदर कुछ सर्विस दी गई है, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में ये सर्विस दी जाती है, जहां पे आप सैटेलाइट से सीधा कनेक्ट कर सकते हो। इंडिया में भी इस टेक्नोलॉजी को लेके आने की बात चल रही है, तो कई सारी कंपनियां हैं इंडिया में, जैसे जियो है, वन वेब है, ह्यूजिस है, टाटा है, एयरटेल है, ये अलग अलग कंपनीज के साथ बातचीत कर रही हैं
कि इस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को जो है इंडिया में लेके आया जा सके। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। कौन कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है फिलहाल आपको याद करने की जरूरत नहीं, एक दो याद कर लो बस। वन वेब ये अमेरिकन कंपनी है और ये सैटेलाइट वगैरह का सेटअप करने का काम करती है। एक न्यू स्पेस इंडिया करके कंपनी है, उन्होंने इसके साथ कोलैबोरेशन वगैरह किया है, एयरटेल ने भी किया है, जियो ने भी किया है। अब कब तक होगा कब तक नहीं होगा वो आगे जाने। एक कनाडा की कंपनी है टेलीसेट, ये लोग भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं इंडिया में, क्योंकि सबको पता है भाई इंडिया में पोटेंशियल बहुत है। अभी तक इंडिया में सिर्फ 33-34% लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस है, बहुत सारे लोगों के पास तो इंटरनेट है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब वहां तक पहुंचाना है तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, पैसा वैसा भी लगाना पड़ेगा और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट भी खैर अभी इसको करने की कोशिश कर रही है बढ़ाने की, खासकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस मिल सके लोगों को, उसके लिए सरकार जो है काम कर रही है। क्योंकि एक हम लोग डिजिटल इंडिया की जब बात करते हैं, ई गवर्नेंस की बात करते हैं, तो ई गवर्नेंस के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी होता है ना, चाहे वो टेलीमेडिसिन हो, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन को कनेक्ट करना हो भाई, चाहे वो बैंकिंग को कनेक्ट करना हो, है ना, वो सब के लिए इंटरनेट की एक्सेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन इसके ऐसा नहीं है कि भाई ये सब इतनी बढ़िया चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारे चैलेंज ऑफकोर्स होते हैं। ये एक ना एक मतलब एक हॉलीवुड की जैसे साईफाई फिल्में होती है ना, कुछ कुछ वैसा होता है कि हजारों की संख्या में जो छोटे छोटे सैटेलाइट हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ दिए जाएंगे, वहां से आपका मोबाइल सीधा कनेक्ट करेगा एंड ऑल दैट। सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन काफी सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो यहाँ पे आता है वो इंटरनेट की स्पीड का आता है। इसमें स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, क्लेम किया जाता है कंपनियों के द्वारा अच्छी स्पीड होगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी स्पीड नहीं होती है। खासकर अगर आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो, अगर आप किसी छत के नीचे खड़े हो, ठीक है, उसके तब तो स्पीड और भी कम हो जाती है। डिपेंड करता है आप कितना लंबा मैसेज भेज रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। छोटा मैसेज जल्दी चला जाता है, ठीक है, तो बड़ा मैसेज नहीं जाता है। खासकर अगर कंडीशन थोड़ी क्लाउडी होती हैं, थोड़ा हैवी फोलियज होता है या कोई दूसरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंग आपके आसपास होती हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। वीडियो चैट वगैरह करने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। इंटरनेट की स्पीड बेसिकली कहने का मतलब यह है टोटल थोड़ी सी यहाँ पे कम होती है। अगर बादल वादल होते हैं तो भी थोड़ा दिक्कत यहाँ पे होती है, बट स्टिल कम स्पीड ही सही। अरे कम से कम इंटरनेट तो मिले, अरे ना जाने से अच्छा कुछ तो बेटर है ना, कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो लेट्स होप फ्यूचर में क्या होगा। और रिमोट प्लेसेस को जब हम लोग ऐड कर देंगे इसमें तो डेफिनेटली ई गवर्नेंस और वो सब चीजें यहाँ पे बेटर होने वाली हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एडिटोरियल करते हैं पहले यहाँ से, फिर गांधी जी वाला एडिटोरियल हम लोग मेन एडिटोरियल में पढ़ेंगे। ये कुछ इन्होंने एग्जांपल देके यहाँ पे शुरू किया है, तमिलनाडु का कुछ एग्जांपल इन्होंने दिया है, केरला का कुछ एग्जांपल दिया है। वहां पे एक्चुअली क्या होता है ना, आपने मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी बेबी, हेलो बेबी क्या नाम था उस मूवी का, जिसमें अक्षय कुमार वगैरह वो लोग थे ना, उनके घर के बाहर एक छोटा बच्चा मिलता है उनको रखा हुआ। और ये ऐसा केस इंडिया में पहली बार नहीं हुआ है, ठीक है। इंडिया में हजारों केस हर साल ऐसे होते हैं जब छोटे छोटे बच्चों को अबैंडन कर दिया जाता है बाय देयर पेरेंट्स। वो कहीं मंदिर के सामने छोड़ देते हैं, कहीं कूड़े, अरे यहाँ तो कूड़े के कचरे के ढेर में भी बच्चे पाए जाते हैं यार, ये हालत है। कभी सड़क के किनारे किसी बच्चे को छोड़ देते हैं उनके पेरेंट्स, ऐसा बहुत बार केसेस देखने को मिलता है। 2021 में ही 700 से प्लस केसेस जो है ऐसे देखे गए हैं जब बच्चों को अबैंडन कर दिया गया है, जो कि 12 साल से छोटे बच्चे हैं। ये तो वो केस है भाई जो रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। जो रिपोर्ट नहीं किए गए उनकी संख्या तो कहते हैं हजारों में हो सकती है। तो बच्चों को अबैंडन करने से बेटर एक और तरीका है, बच्चों को सरेंडर करिए ना। आप अबैंडन क्यों कर रहे हो, सरेंडर करिए। जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं आप उनके पास जाइए, उनको बोलिए कि सर हम लोग बच्चे की टेक केयर नहीं कर पाएंगे, हमें फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो भी हैं। कई बार जो सिंगल जो वीमेन होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कई बार उनका डिवोर्स हो जाता है, कई बार लिव इन पार्टनर छोड़ के भाग जाता है, ऐसे एक बहुत सारे केसेस होते हैं देश में। तो इट्स बेटर क्या, बच्चों को अबैंडन मत करिए, ठीक है, बच्चों को सरेंडर कर दीजिए। आप चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के पास जाइए, उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताइए, वहां से बच्चा आपका ले लेंगी। क्योंकि इंडिया में क्या है, अडॉप्शन के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है, 26,000 से ज्यादा लोग अडॉप्शन के लाइन में लगे हुए हैं, ये पिछले साल का डेटा है। और उनको देने के लिए हमारे पास सिर्फ 2,500 बच्चे हैं, अभी भी हजारों की संख्या में पेरेंट्स लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो भाई आप जाइए आराम से, क्या दिक्कत है। अपने बच्चे को अगर आपके नहीं रख सकते, संभाल नहीं सकते, तो बच्चे को दे दीजिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास चला जाइए। तो ये इनका बेसिकली इनका ये कहना है, ठीक है। इस पूरे आर्गुमेंट में यही कहा गया है, जब आप बच्चे को सरेंडर करते हो लीगल रूप से तो आपके खिलाफ कोई भी FIR नहीं होती है, लेकिन जब बच्चे को अबैंडन करते हो तो इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि
इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू सरेंडर अ चाइल्ड रादर देन अबैंडन हिम इफ द कंडीशंस टू रिटेन द चाइल्ड आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द गार्जियन। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे की टेक केयर नहीं कर सकते हैं तो सरेंडर करना इज कंप्लीटली लीगल। सरेंडर करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, रिलेशनशिप टूट जाते हैं, गरीबी यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, है ना, ड्रग एडिक्शन यहाँ पे बहुत बड़ा कारण हो सकता है, कई बार मदर कई बार फादर कई बार दोनों लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, है ना, वो सारी की सारी चीजें जो है इसकी वजह से लोग ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द सच चिल्ड्रन इज प्रोहिबिटेड एंड ऑल रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द चाइल्ड आर टू बी ट्रीटेड कन्वेंशन बाय द CWC। तो जो भी बच्चे सरेंडर किए जाते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास, उन बच्चों की आइडेंटिटी भी रिवील नहीं की जाती है, ना ही उन पेरेंट्स की आइडेंटिटी रिवील की जाती है। इट्स अ गुड थिंग। अब बच्चों को, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, अभी दो दिन पहले ही कहा है कि भाई जो सिंगल मदर हैं उनको भी अबॉर्शन का उतना ही अधिकार है जितना मैरिड वीमेन को होता है। तो इसका मतलब जो अनमैरिड वीमेन जो बच्चों को अबेंडन कर देती थी, अभी उनके पास भी ऑप्शन है, ठीक है। अगर वो बच्चे को जन्म देती हैं, अगर वो अबॉर्शन नहीं करवाती हैं, तो बच्चे को आराम से सरेंडर कर सकती हैं। बहुत बार डिवोर्सी विडोज माइनर्स डिसेबल्ड मेंटली इल वीमेन होती हैं, या फिर सेक्सुअल असोल्ट या रेप की जो सर्वाइवर्स होती हैं, उनके लिए एक तरह की, आप ये समझ सकते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये सारे कानून हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर भी लोग ये सब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं ऐसा कानून है, उनको ऐसा लगता है अगर वो चले जाएंगे तो उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। अरे भाई, आप कोई लीगल काम नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास प्रॉपर रीजंस हैं तो आप बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमारा आशा वर्कर्स का यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जो दाई होती हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स होती हैं, क्योंकि उनके अपने आसपास उनको पता होता है क्या चल रहा है, उनको घर घर की नॉलेज होती है, कहाँ पे कौन प्रेग्नेंट है नहीं है, क्या चल रहा है, डिवोर्सी माइनर, वो सब उनको पता होता है। तो उनका रोल भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इवन वो अवेयर भी कर सकती हैं अपने गाँव में, शहरों में, मोहल्ले में जाके लोगों को कि इस तरह की आप कर सकते हो, ये चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको बच्चे को सरेंडर करना है तो आपको सिर्फ CWC के पास ही जाना पड़ेगा, आप किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हो, आप किसी पुलिस ऑफिसर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पब्लिक सर्वेंट के पास जा सकते हो, किसी NGO से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हो, ठीक है। वो सब अगर आप उनके पास बच्चे को जाकर सरेंडर करते हो तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उनको बच्चे को CWC को सौंपना पड़ता है, और आपके खिलाफ कोई FIR भी नहीं होती है। तो घुमा फिरा के इस पूरे आर्टिकल में एक ही बात बोली गई है के बच्चे को सरेंडर करना इज अ बेटर ऑप्शन रादर देन अबैंडन योर चाइल्ड, ठीक है। वो आप कर सकते हो, कानून हमारे पास है, आपके खिलाफ FIR नहीं होगी। और ऐसे बहुत सारे हजारों की संख्या में बच्चे जिनको अबैंडन कर दिया जाता है, वो लीगल तौर पे सरकार के द्वारा उनका टेक केयर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था पूरे का पूरा आर्टिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो गांधी जी के ऊपर आज एक आर्टिकल दिया गया, क्योंकि कल गांधी जयंती थी, इनका बर्थडे था गांधी जी का। और हालांकि इनकी, गांधी जी की फिलॉसफी जब हम लोग पढ़ते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी मानी जाती है गांधी जी की, और गांधी जी की फिलॉसफी एक्चुअली वो स्टेबल फिलॉसफी नहीं रही है। गांधी जी की फिलॉसफी ना इवोल्व हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। गांधी जी एज अ पर्सनैलिटी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवोल्व हुए हैं। अगर आप इनिशियल फेज में गांधी जी की थॉट प्रोसेस को देखोगे, उनके व्यू पॉइंट को देखोगे, वो अलग हुआ करते थे, फिर जैसे जैसे उनका स्ट्रगल बढ़ता चला गया, जैसे जैसे वो ट्रूथ के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे, उनकी थॉट प्रोसेस भी जो है वो चेंज होती रही। इसे इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। हर इंसान जो है, हर इंसान की पर्सनैलिटी इवोल्व करती है, तो गांधी जी की पर्सनैलिटी भी ऐसे ही इवोल्व की है, है ना। हर चीज को लेकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो ट्रूथ हो, सत्याग्रह हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है। तो इनका ये कहना है कि भाई महात्मा गांधी जी वॉज वेरी अटेंटिव ऑफ द फैक्ट दैट वर्ल्ड पीस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो गांधी जी, हालांकि नेहरू जी इस बात पे बहुत ज्यादा अग्री नहीं करते थे, लेकिन गांधी जी का यह मानना था कि जब तक आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी, जब तक इस दुनिया में शांति कायम नहीं हो सकती। गांधी जी इस बात में बिलीव करते थे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ और पॉलिटिकल ग्रोथ वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप स्पिरिचुअली अवेयर नहीं हो, स्पिरिचुअली अगर आप अवेकंड नहीं हो, तो आप पॉलिटिकल ग्रोथ भी नहीं कर सकते, पीस नहीं हो सकती। अभी देखिए 2022 चल रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो सब आपको पता ही अच्छे से, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि भैया वर्ल्ड पीस जो है वो पॉसिबल नहीं है।
हालांकि अगर देखा जाए तो इस समय दुनिया सबसे पीसफुल माहौल में चल रही है, अगर हम वर्ल्ड वॉर को निकाल दें, है ना। वर्ल्ड वॉर देखो, दो दो वर्ल्ड वॉर हुए 30 साल के बीच बीच में, उससे पहले राजा महाराजा तो लड़ते ही रहते थे 24 घंटे, उनका तो काम ही लड़ना हुआ करता था। बट स्टिल अभी भी दुनिया में कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो है चीजें चल रही हैं खराब, ठीक है। तो लेकिन गांधी जी का ये मानना नहीं था, गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम लोग कंपैशनेट डायलॉग करें आपस में बैठ के, ठीक है, अगर कल्चर रिलीजियस पॉलिटिकल बाउंड्रीज को अगर थोड़ा सा ब्लर कर दें तो एक पीस जो है, लॉन्ग प्रोसेस पीस जो है वो पॉसिबल है। गांधी जी का ऐसा मानना था, गांधी जी का ऐसा मानना था, गांधी जी कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ पीस एज एथिकल रादर देन पॉलिटिकल प्रॉब्लम। गांधी जी का ये मानना था कि भैया दुनिया में जो अशांति का माहौल है, लड़ाई झगड़ा है, वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम की बजाय एथिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम ज्यादा है, मॉरल प्रॉब्लम ज्यादा है। हालांकि बहुत सारे लोग इस पर अग्री नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन गांधी जी का ऐसा मानना था, ठीक है। तो गांधी जी का मानना था कि किसी इंसान की जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, जरूरी यह है कि आप जस्टिस की तरफ खड़े हो जाओ, ठीक है। आप जो है जहां पे अन्याय हो रहा है उसका विरोध करिए, ये उनका कहना था। उनका ये कहना था, अ नॉन वायलेंट पर्सन इज बाउंड व्हेन द ओकेजन अराइजेस टू से विच साइड इज जस्ट। एक नॉन वायलेंट पर्सन वो होता है जो हमेशा सच्चाई की साइड में खड़ा रहता है, चाहे कितनी मुश्किल से मुश्किल कंडीशन वहां पे आ जाए, ऐसा जो है उनका कहना था। एक और जबरदस्त चीज जो गांधी जी के बारे में कही जाती है, और उन्होंने बोला भी है इस बात को, गांधी जी ने यह कहा था कि भाई जो नॉन वायलेंस होता है ना, ये डरपोक लोगों का हथियार नहीं है। नॉन वायलेंस इस दुनिया में सबसे ब्रेव लोगों का अधिकार है। सच्चाई, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह आम आदमी के बस की बात नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मॉरली स्ट्रांग होना पड़ता है। गांधी जी ने यह कहा था कि अगर मुझे कोवर्डिस और वायलेंस के बीच में चूज करना पड़े ना, तो मैं वायलेंस को चूज करूंगा, मैं कोवर्ड होने को कभी चूज नहीं कर सकता। गांधी जी का मानना यह था कि जो कावड़ लोग होते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, वो सबसे खराब पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी इंसान का। तो नॉन वायलेंस करेक्टरिस्टिक जो है वो डरपोक लोगों का नहीं है, वो बहादुर लोगों का है। आप इतनी भी, सबको गुस्सा तो सबको आता है ना यार, लेकिन सोच के देखिए, आपके साथ इतना कुछ बुरा हो जाए और आप गुस्सा ना करो, आप वायलेंस ना करो, इससे ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ कोई हो नहीं सकती। फॉरगिवनेस, माफ कर दिया जाओ, कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसको माफ कर दो, इससे ज्यादा बड़ी ताकत कोई हो नहीं सकती। बट बात यह है कि माफ कौन करेगा, एक कमजोर आदमी किसी को माफ नहीं कर सकता है। माफी भी उसी आदमी की मानी जाती है जो स्ट्रांग होता है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन पहुंचा नहीं रहा है, आपको माफ कर रहा है। एक बहादुर जो होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, उसकी सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक्स होती है फॉरगिवनेस। उसको पता है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको पता है वो आपको दो थप्पड़ मार के आपको गिरा सकता है, लेकिन फिर भी आपका थप्पड़ नहीं मारता है, वो शांति से बैठा रहता है और आपको माफ कर देता है। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, कमजोरी नहीं है ये बहादुर की, ये उसकी ताकत होती है। तो गांधी जी ने बेसिकली यही कहा था। गांधी जी एक्चुअली एक ओरिजिनल थिंकर माने जाते हैं पीस के मामले में, क्योंकि इन्होंने पीस को जो है एथिकल मॉरल वैल्यूज के साथ जोड़ के देख दिया। इससे पहले इसको सिर्फ पॉलिटिकल एक इशू ही माना जाता था, लेकिन गांधी जी चेंज्ड दिस होल सिनेरियो, ठीक है। वो थोड़ी चीजें होती हैं। गांधी जी ने कहा, बल्कि नॉन वायलेंस को लेकर पर्सपेक्टिव ऐसा था, गांधी जी कहते थे कि नॉन वायलेंस सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है, नॉन वायलेंस जो है एक ओंटोलॉजिकल ट्रूथ है, मतलब एक मेटाफिजिक्स है, एक भगवान की दी हुई एक बेसिकली एक देन होती है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो। तो गांधी जी का बेसिकली इस तरह से चीजें मानना था। तो ये कुछ कुछ बातें जो है गांधी जी ने वहां पे कही थी। फिर बाद में गांधी जी ने कहा कि भैया यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में उन्होंने बात किया, सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, गांधी जी खुद को भी सेल्फ एग्जामिन करते थे टाइम टू टाइम, और सेल्फ क्रिटिकल भी थे। गांधी जी अपने खुद की चीजों की कमियां निकालते थे और फिर उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते थे। तो आज के टाइम में क्या हो गया ना, हर कोई सेल्फिश होता जा रहा है ना, इगोइस्टिक होता जा रहा है, सेंट्रिसिस्ट होता जा रहा है आज के टाइम में लोग। तो सेल्फ है ना, ईगो लोगों की बहुत बड़ी हो गई है, लोग बुराई नहीं सुनना चाहते हैं, ना अपने बारे में, ना अपने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो गांधी जी ने कहा ये ठीक नहीं है, सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ एग्जामिनेशन आप नहीं करोगे, आपको ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि भाई जिस रास्ते पे आप चल रहे थे वो रास्ता सही है या गलत है। कई बार हम लोग रास्ते पे चलना शुरू तो कर देते हैं लेकिन हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो गांधी जी ने कहा था कि अगर सेल्फ एग्जामिनेशन करना भी जरूरी है।
तो ये सोशल और पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है गांधी जी की, ठीक है, ये बहुत एनरिच है और हर लोग इसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं। गांधी जी की फिलॉसफी किसी एक आदमी के पकड़ में नहीं आ सकती। इट्स लाइक जैसे शास्त्र होते हैं, है ना, हर कोई उनका अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है, जैसे जिसकी सोच होती है। तो गांधी जी की फिलॉसफी भी अलग अलग लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये था थोड़ा सा गांधी जी के बारे में। GS4 के परस्पेक्टिव से थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस तरह की चीजें। तो गांधी जी की फिलॉसफी जितना मर्जी पढ़ लो यार, PhD कर लो, PhD भी कम पड़ेगी, 10 PhD कर सकते हो गांधी जी की फिलॉसफी के बारे में। 2 मिनट के आर्टिकल में जितना मुझसे हो सकता था बताने की कोशिश की है। आई होप 1-2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रहेंगे। सब पॉइंट तो याद ऑफ कोर्स नहीं हो सकते हैं। तो उसके अलावा कुछ छोटे छोटे एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास हैं, अगर आपका मन करे तो आप इनको भी जाके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार, ठीक है। कमेंट सेक्शन में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आप डेफिनेटली लिख सकते हो ताकि मुझे पता चलता रहे कितने स्टूडेंट जो है वो हमारे एनालिसिस को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।